अरब सागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन शामिल हुआ। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में खुद इस ड्रोन की पहली झलक दुनिया को दिखाई। यह है हिंदुस्तान की नई दृष्टि, 10 स्टारलाइनर सर्विलांस ड्रोन, स्वदेशी एडवांस एरियल तकनीक से लैस, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है और पोरबंदर में तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल महासागर में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करेगी। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कैपेबिलिटी एनहांसर फॉर अस। दिस इज गॉट सैटेलाइट यू नो कम्युनिकेशन एज वेल, बिकॉज ऑफ व्हिच इट कैन गो आउट मच फर्दर आउट इनटू द इंडियन ओशन। इस स्वदेशी ड्रोन की एक नहीं कई खासियतें हैं। ये ड्रोन इजराइल के हेरोन और अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की तरह मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 450 किलो वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। करीब 1600 किलो के इस ड्रोन को हथियारों से लैस भी किया जा सकता है, यानी कॉम्बैट ड्रोन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। लेजर डेजिग्नेटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्कर से लैस है। विपरीत मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है और सेना के जवानों तक मदद पहुंचाने में कारगर है। ड्रोन यानी जो दृष्टि 10 है उसको देखिए, उसके विंग की साइज को देखिए और इस ड्रोन की साइज को देखिए आप। इसका मुख्य काम सर्विलांस का है, यानी निगरानी रखना है। जब इंडियन नेवी के जहाज पर या फिर समंदर में जब इंडियन नेवी मौजूद रहेगी, तब दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए इस ड्रोन का इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। इस ड्रोन की मदद से किसी भी तरह के ऑपरेशन में रियल टाइम तस्वीरें मिलेंगी, जिससे भारतीय नेवी की टोही और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। मैरिटाइम इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रेकी के लिए ये बहुत हद तक काम आ सकता है। ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है फॉर अटैक ऑल्सो, तो बहुत बड़ी बात है। इससे नेवी को बहुत ज्यादा फायदा ही नहीं होगा, बट स्ट्रेंथन होगी नेवी। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की ओर से तैयार किया गया पहला स्वदेशी यूएवी असल में वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए हिंदुस्तान की जरूरत है। ऐसे में जब महासागर में चीन और हूती विद्रोहियों का चैलेंज मिल रहा हो, तब ये ड्रोन किसी भी मिशन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ड्रोन के अलावा सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली एक और खबर हमारे पास है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए नई राइफल बनाई है। इस राइफल का नाम 100 दिनों में बनकर तैयार हो गया। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रही उग्रम राइफल की खासियत आपको बताते हैं। उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। रेंज है 500 मीटर और वजन करीब 4 किलो से कम। मैगजीन 2 पीस राउंड, कैलिबर 7.62x51mm मेटल स्टील है। ये मतलब स्टील की गन बताई जा रही है। स्वदेशी उग्रम दुश्मन का काल है। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? AK-47 राइफलों का इस्तेमाल करती है भारतीय सेना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते AK-47 का आयात ठप है। भारतीय सेना ने की थी नई राइफल्स की मांग। नई राइफलों का आयात भारत ने अमेरिका से मंगाई सिग्सॉर राइफल 7000 सिग्सॉर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर किया। AK-47 से ज्यादा घातक है अमेरिकी असॉल्ट। अब आगे क्या? स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम का इस्तेमाल करेगी सेना। असॉल्ट राइफल का आयात बंद, निर्यात भी संभव है। AK-203 राइफल के निर्माण में भी जुटा है भारत, यह भी खबर है। और भारत की जो इंसास राइफल्स हैं उसको भी ये रिप्लेस कर सकती है, ये भी जानकारी है।